फ्रेंड्स, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मार्बल टेक्सचर के बारे में। फ्रेंड्स, हमने जर्नली देखा है कि लोग अपने घरों में प्लास्टर कराने के बाद उस पर वॉल पुट्टी और फिर पेंट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नया जो इसके जगह विकल्प आया है वो है मार्बल टेक्सचर। आप इसे अपने घर की सामने वाली दीवारों पर और इसके अलावा पैरापेट वॉल पे करा के इसे एक अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे, तो सारी वॉलों पे, फ्रंट वॉल पे अपन ने मार्बल टेक्सचर का काम कराया है। इसके अलावा घर की बाउंड्री पे भी आप इसको करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लोग अपने फ्रंट वॉल पे टाइल्स लगवाते हैं, वॉल पुट्टी कराते हैं। तो एक आजकल नया जो इसकी जगह विकल्प आया है वो मार्बल टेक्सचर है। तो हम इस वीडियो पे इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि बात करें कि मार्बल टेक्सचर होता क्या है, तो जो स्टोन पार्टिकल होते हैं लाइक एज मार्बल के पार्टिकल और ग्रेनाइट का छोटे छोटे कण, तो इनको मिला के ये एक बनाया जाता है। इस पे हमारा क्या होता है कि छोटे छोटे, कहा जाए तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे महीन कण स्टोन के होते हैं। इसको हम एडहेसिव मटेरियल के साथ मिला के और फिर हम अपनी दीवारों पे अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो लेबर होना चाहिए वो काफ़ी स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं है तो लोगों को उतना आइडिया नहीं है कि इसे कैसे अप्लाई करना है। अब यदि हम बात करें कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस समय 25 किलोग्राम के बैग आते हैं, उसमें हम एडहेसिव मटेरियल मिलाते हैं, साथ में 5 लीटर के आसपास वाटर मिलाते हैं और फिर उसे हम अपनी दीवार पे अप्लाई कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये एकदम से वाटर रेजिस्टेंस है, तो जब आपकी दीवारों पे पानी भी पड़ेगा तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और इसका लुक काफ़ी निखर के आता है। तो ये समय काफ़ी अच्छा विकल्प है। और पिछली वीडियो में हमसे कमेंट करके पूछा जा रहा था कि इसकी कॉस्ट वगैरह को डिटेल से बताइए, तो हम इसमें आपकी कॉस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये यदि बात करें कि इसका कॉस्ट क्या पहुँचेगा, तो हम फ्रेंड्स ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप जिस दीवार पे कराना चाह रहे हैं वो 10x10 की है, मतलब उसका 10 लंबाई और 10 चौड़ाई भी है। तो जैसा इस समय इसका रेट चल रहा है फ्रेंड्स, वो चल रहा है 20 रुपीज पर स्क्वायर फिट। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारी जो दीवार है उसका एरिया 100 है, तो जब 100 से अपन 20 का इंटू कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा पहुंच जाएगा 2000 रुपये। यदि आपके पास 2000 रुपये है तो आप अपने घर में मार्बल टेक्सचर करा सकते हैं और ये बिल्कुल एकदम नया पैटर्न है, तो आप इसे घर में जरूर अप्लाई करिए। और यदि आपके घर में सीलन है, सीलन वाली दीवारें हैं, तो उस पर भी ये काफ़ी सक्सेसफुल है, तो आप मार्बल टेक्सचर करा सकते हैं और एक घर को नया लुक प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा कि वॉल पुट्टी और पेंट के भी कलर कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, उनमें कैविटी लगने लगती है, तो उस तरह का लुक नहीं रहता। वही मार्बल टेक्सचर जो है तो एकदम वाटर प्रूफ है, यदि पानी पड़ता भी है तो बिल्कुल उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और नए नए पैटर्न है, कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है कि कोई एक फिक्स पैटर्न है कि आप ब्लैक ही कराते हैं, व्हाइट कराते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न आए हैं फ्रेंड्स। और यदि आप मटेरियल चाहते हैं, मटेरियल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि जो साइट्स हैं उनमें इजीली अवेलेबल है, और साथ में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा एक स्किल लेवर जो कि आपकी दीवारों में इसको अप्लाई कर दे। फ्रेंड्स, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम घर और घर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर अपने चैनल में डालते रहते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।